ये तरह तरह की समुद्री मछलियाँ, इन्हें देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि समुद्र में रहने वाले जीवों की कितनी विविधता होगी। लेकिन मछलियों की ये विविधता मछुआरों के लिए कोई खास मतलब नहीं रखती। वे तो बस मारी गई मछलियों की बोली लगाते हैं और जो भी कुछ मिल जाता है उसी में संतोष करते हैं। करियप्पा मछली पकड़कर जब बाजार में उसे बेचने पहुंचता है तो बाजार में मौजूद बिचौलिए उसे आ घेरता है और उसे बिना कुछ पूछे उसे कुछ पैसे पकड़ाता है और उसकी सारी मछली ले लेता है। बाद में ये बिचौलिया उन मछलियों की दुकान खुद लगाता है और उसे ऊंचे दाम पर बेचकर काफी पैसा बनाता है। इस तरह बिचौलिया और उसके साथी मछुआरों की मेहनत का असली फायदा उठा जाते हैं। और इधर करियप्पा उन पैसों को लेकर दुकान पर जाता है और उसे दो वक्त का पूरा खाना भी नहीं मिलता। करियप्पा की ये परेशानी कोई नई बात नहीं है, तकरीबन रोज ही ऐसा होता है। और सिर्फ करियप्पा के साथ ही ऐसा नहीं होता बल्कि तमाम अनपढ़ और निरक्षर मछुआरों के साथ होता है। ये समस्या हर जगह की है। ऐसी ही समस्या से जूझ रहा था तमिलनाडु के जिला कडलूर का एक गांव देवनमपट्टनम। राज्य की राजधानी चेन्नई से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव से खूबसूरत तटीय नजारों को तो देखा ही जा सकता है, साथ ही साथ ये यहाँ के लोगों के लिए मछली मारने के रूप में रोजी रोटी का प्रमुख साधन भी उपलब्ध करवाता है। यहाँ लोगों की आजीविका टिकी हुई है तो बस मछली व्यवसाय पर। इस गांव के लोग अपनी छोटी छोटी डोंगी पर सवार होकर समुद्र के थपेड़ों को झेलते मछली मारने चल पड़ते हैं। ऐसे में कई बार उन्हें डोंगी के पलटने जैसे खतरों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये सब चीजें इनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गई हैं। और जब ये समुद्र में नहीं होते तब ये अपने कटे जालों को बुनते हैं। बड़ी बारीकी से जाल बुनते इन हाथों को लिखना पढ़ना नहीं आता था और इसीलिए इनकी जिंदगी का ताना बाना भी यहीं तक सिमटा हुआ था। कड़ी मेहनत के बावजूद अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर पाने में इनकी नाकामियों के कारण गांव की युवती कला काफी दुखी रहती थी। ये गांव वालों के लिए कुछ करना चाहती थी पर उसे पता नहीं था कि करे तो क्या करे। इसी उधेड़बुन में वो एक दिन तट पर बैठी उदास आंखों से अथाह सागर को निहार रही थी तो उसकी मुलाकात मंगलम से हो गई। क्यों बेटे उदास कैसे बैठे हो? क्या बताऊं चाचा, आप तो जानते ही हो मछुआरों की समस्या है। ऐसी क्या समस्या है? चाचा मैं सबसे बड़ी समस्या की बात कर रही हूँ। अब आप ही देखो ना, ये इतनी मेहनत से और जोखिम उठाकर मछली मारते हैं पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? थोड़े से पैसे जो दो वक्त की रोटी के लिए भी पूरे नहीं पड़ते हैं। और इन बीच वालों को देखो, इन भोले भाले लोगों को तंग कर दारू उड़ाते हैं, गुलचरे उड़ाते हैं। लेकिन इन बातों से तुम्हें क्या मतलब, क्या लेना देना? तुम तो पढ़ाई करती हो, तुम तो पढ़ो, इन बातों से मत पढ़ो। चाचा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपकी नजर से कुछ भी नहीं छुपा। और इन सब बातों से आप भी तो दुखी रहते हो और आप ही मुझे रोक रहे हो। नहीं नहीं बेटे, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं तो तुम्हारी समस्या को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम क्या करना चाहती हो उसको सोच रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें पढ़ाना होगा, इनको साक्षर बनाना होगा। भला वो मैं कैसे कर सकती हूँ? कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो? तुम्हें साक्षरता अधिकारियों से मिलना पड़ेगा और हो सके तो दो चार जनों को अपने साथ में लेकर इन सबको होशियार करना पड़ेगा।
अनुभवी और जानकार मंगलम चाचा की बातों ने कला को राह सुझाई। उसने गांव वालों को साक्षर बनाने का निश्चय किया, लेकिन करीब 600 घर वाले इस गांव के हरेक निरक्षर को पढ़ाना अकेले कला के मुद्दे की बात नहीं थी। इसीलिए कला ने अपनी सहेली इलन को भी इस काम के लिए तैयार किया। फिर वे दोनों दिलशाद के घर भी गई और दिलशाद को भी इस काम से जोड़ा। उसके बाद जब साक्षरता अभियान के अधिकारी गांव में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने आए तो कला और उसकी सहेलियों ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना। उनके चेहरों पर जिज्ञासा के भाव और कुछ कर गुजरने की ललक के कारण वे बाकी प्रशिक्षु स्वयं सेवकों से अलग ही दिखे। यहाँ उन्हें साक्षरता अभियान से संबंधित कुछ मूल बातों के साथ साथ निरक्षरों के लिए विशेष तौर से तैयार की गई पाठ्य पुस्तिकाओं के बारे में भी बताया गया। साथ ही उन्हें ये भी बताया गया कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है और उसे कैसे हासिल करना है। सारी जानकारियां लेने के बाद कला और उसकी सहेलियां गांव वालों को पढ़ाने के काम में जुट गईं। लेकिन इस काम में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो यही सामने आई कि गांव का कोई भी निरक्षर पढ़ने को तैयार ही नहीं हुआ। अपने कामों में लगे इन मछुआरों ने तो पढ़ाई के नाम पर अपनी नाक पर मक्खी ही नहीं बैठने दी। इन स्वयं सेवकों ने जिसको भी पढ़ने के लिए कहा उन्होंने बिल्कुल ही उल्टा जवाब दिया। अधिकांश निरक्षर इस उम्र में पढ़ाई को माखौल समझते थे, इसीलिए वे टका सा जवाब देते थे। किसी का कहना था कि जब बचपन में ही नहीं पढ़ सके तो अब पढ़ के कौन सा तीर मार लेंगे, इसीलिए हम जैसे अंगूठा टेक है वैसे ही ठीक। और किसी किसी का कहना था कि वे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी तो बन नहीं सकते, तो जब मछली ही मारना है तो पढ़कर क्या करेंगे। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पढ़ने के लिए समय न होने का बहाना बनाया। उनका कहना था कि पढ़ने में समय बर्बाद करने से ज्यादा जरूरी उनका काम करना है ताकि उन्हें दो वक्त की रोटी मिल सके। गांव वालों की इस तरह की बातें सुनकर कला काफी परेशान हो गई। बड़ी अजीब बात है, इन मछुआरों को कह कह कर मैं तो थक गई, कोई सुनते ही नहीं। मैं तो पहले से ही कहती थी ना, इन सबों से कोई फायदा नहीं, अब पढ़ा लो, किसी को पढ़ाना है। तुम ठीक कहती हो, अगर कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हम क्यों इतना मुश्किल लें। तो कहाँ चली? मैं चाचा से मिलकर उनको सारी बात बताने जा रही हूँ। शुरुआती असफलता ने कला को ऐसा निराश कर दिया कि निरक्षरों को पढ़ाने का विचार छोड़ देने का मन बनाने लगी। ऐसे में इलन को चाहिए था कि वह कला की हिम्मत बढ़ाए, लेकिन वह खुद भी निराश हो चुकी थी। स्थिति ऐसी बन गई कि लगा दोनों ही अपना साक्षरता अभियान बंद कर देंगी। नमस्ते चाचा। अरे आओ आओ बेटे, कैसे हो? तुम्हारा साक्षरता मिशन कैसे चल रहा है? मैं सोचूं कहीं ये छोड़ दूं, कोई लोग तो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं, इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये तो पहली समस्या है, ये समस्या दूर हो गई तो बाकी समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लेकिन लोगों को साक्षरता केंद्र तक लाए कैसे? आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। उनके लिए सबसे पहले उनके मन के संकोच दूर करो। उनसे पहले पढ़ाई के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना, फिर देखो वो कैसे नहीं आते हैं। मंगलम चाचा के सुझाव ने कला को आशा की एक नई रोशनी दिखाई। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब तक जो वो कोशिश कर रही थी उसमें कई सारी कमियां थी। जैसे वो किसी से मिलते ही एकदम से पढ़ाई लिखाई की बात शुरू कर देती थी, जिससे निरक्षरों को ये समझ में नहीं आता था कि इस उम्र में पढ़ाई का क्या मतलब है।
मंगलम चाचा ने कला को ऐसा करने से मना किया और कहा कि एकदम से पढ़ने की बात करने से निरक्षर इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई की जरूरत और उसका महत्व नहीं पता। ऐसे में सबसे पहले उन्हें पढ़ाई की जरूरत का एहसास दिलाना है और ये बात कला की समझ में आ गई। ओ, तुम आ गई, मिलाई चाचा से? हाँ, मिलकर आई और पक्का इरादा भी लेके आई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हम लोगों को सूझबूझ से काम लेना चाहिए, पढ़ने लिखने पर एकदम से जोर नहीं देने चाहिए, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनना चाहिए और बातों बातों में उन्हें पढ़ाई का महत्व को समझाना तो चाहिए। हम क्या करें? मैंने सोचा गाने बजाने का कार्यक्रम कर उन्हें एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उनसे मतलब की बात करेंगे। तो चल फिर ऐसे करते हैं। लोगों का संकोच मिटाने और उन्हें पढ़ने के लिए तैयार करने के लिए कला और उसकी सहेलियों ने नए सिरे से कोशिशें शुरू की। स्थानीय कलाकारों को इकट्ठा कर तैयार किए गए जत्थे ने अपने मधुर गीतों से गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। இது இரண்டாம் சுதந்திர போர் வென்று வாருங்கள் காலம் மாறு மாறு முன்னா மாறுமா ஒரு கையெழுத்து போட தெரியல காலம் மாறு மாறு முன்னா மாறுமா ஒரு கையெழுத்து போட தெரியல கவல தீரும் தீரும் முன்னா தீருமா ஒரு கடிதாசி படிக்க முடியல கவலை தீரும் தீரும் முன்னா தீருமா ஒரு கடிதாசி படிக்க முடியல காலம் மாறு மாறு முன்னா மாறுமா ஒரு கையெழுத்து போட தெரியல காலம் மாறு மாறு முன்னா மாறுமா ஒரு கையெழுத்து போட தெரியல கவலை தீரும் தீரும் முன்னா தீரும் தெரியல கவலை தீரும் தீரும் முன்னா தீருமா ஒரு கடிதாசி படிக்க தெரியல சச்முச் இஸ் மதுர் கீத் நே காவ் வாலோ கே மன் கோ மோஹ லியா இத்னா ஹி நஹி இஸ் கீத் கோ சுன்னே கே லியே இக்கட்டே ஹுவே லோகோ கோ கலா நே சாக்ஷர்தா கா சந்தேஷ் பீ தியா நங்காரி வாலி இயக்கத்துல இருந்து வந்திருக்கோம் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு படிக்க எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓரளவுக்கு படிக்க எழுத தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஒன்னு ஒருத்தங்களை நம்பி நம்ம வேற எதுலயோ இப்போ ஒரு கையெழுத்து போடணும்னா கூட யாராவது வந்து ஈஸியா நம்மளை ஏமாத்திட்டு போயிடுவாங்க ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு படிக்க தெரிஞ்சதுன்னா நம்மள யாராலையும் நம்மள வந்து ஏமாத்த முடியாது கலா நே காவ் வாலோ கோ சாக்ஷர்தா கே ஏக் ஏக் ஃபாயதே கின்வாயே ஜெய்சே கி உஸ்னே காவ் வாலோ சே கஹா கி லிக்னா படனா ஜான்னே கே பாத் வே அப்னே கை ஐசே காம் குத் கர் சக்தே ஹே ஜிஸ்கே லியே வே அபி தக் தூஸ்ரோ பர் நிர்பர் ஹே जैसे अगर चिट्ठी लिखनी हो तो किसी और से लिखवाते हैं या फिर कोई फॉर्म भरना हो तो खुद नहीं भर सकते और हाँ हिसाब किताब नहीं जानने की वजह से दुकानदारों द्वारा ठगने की आशंका भी हमेशा बनी रहती है लेकिन यदि आप पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो इस तरह की समस्या आपके सामने नहीं रहेगी साथ ही साथ आप अपने समाज और देश दुनिया के बारे में भी अधिक से अधिक जान पाएंगे इस तरह से आपके जीवन स्तर में भी सुधार होगा और रही बात कि आप पढ़ेंगे कैसे तो उसके लिए हमने और हमारे साथियों ने काफी तैयारी की है हम आपको पढ़ाएंगे हम अपना ज्ञान आप लोगों के साथ बांटेंगे कला की इन बातों का गांव के निरक्षर लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा और पढ़ाई लिखाई को लेकर उनके मन में एक ललक पैदा हुई और वे पढ़ने के लिए जुटने लगे कला के प्रयासों की इस सफलता का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तमिलनाडु के तटीय इलाके के निरक्षरों को पढ़ने के लिए तैयार करना अपने आप में टेढ़ी खीर थी एक तो ये अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिलती मछली मारनी भी होती है और उसे बाजार तक भी पहुँचाना होता है इसके अलावा इनकी आजीविका समुद्र के मूड पर भी निर्भर करती है समुद्र शांत है तब तक तो अच्छा है नहीं तो अशांत समुद्र में मछली मारने का जोखिम कौन उठाए
बिल्कुल तट पर बसे होने के कारण ज्वार भाटों में घरों के बह जाने की चिंता भी इन्हें सताती रहती है। इन चिंताओं के बीच पढ़ने की सोच और फुर्सत किसे होती है? ऐसे में कला ने इन्हें पढ़ने के लिए तैयार किया तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत खूब बेटे, आखिर तुमने गांव वालों को मना ही लिया। ये तुम्हारी पहली सफलता है और गाने बजाने का रंगारंग कार्यक्रम करके ये तुमने बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम बनाया। और याद रखना, अपने निरक्षर भाइयों के साथ में जो प्रेम का संबंध जोड़ा है उसे टूटने मत देना, और जो रंगारंग कार्यक्रम रखा है उसको हर हफ्ते चलाते रहना, जिससे गाँव वालों के अंदर दिलचस्पी बनी रहेगी और अपने पास आने में उनको बहुत मदद मिलेगी। मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। कला और उसकी सहेलियों की मेहनत ने अपना रंग तो दिखा दिया और बड़ी संख्या में निरक्षर साक्षरता केंद्र में भी पढ़ने आने लगे, पर स्वयं सेवकों के सामने चुनौती थी कि उनको केंद्र से जोड़कर कैसे रखा जाए। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी को बरकरार कैसे रखा जाए, क्योंकि सिर्फ अक्षरों और किताबों की बात इन प्रौढ़ लोगों के लिए निरस्ता पैदा करती है। सीख सकने की उनकी क्षमता में उम्र के हिसाब से आई गिरावट और जिंदगी की दूसरी जरूरतों में उलझे मन को सिर्फ अक्षरों के दोहराव से नहीं बांधा जा सकता है। इस बात को कला, ईलन और दिलशाद ने अच्छी तरह समझ लिया था, इसीलिए इन्होंने एक तो केंद्र को इनके काम करने की जगह ही लगाना शुरू किया, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन्होंने पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ गांव वालों को आपस में खुलकर बात करने का मौका भी प्रदान किया। फिर इनके आपस में हंसी मजाक का दौर जब एक बार शुरू हो गया तो लोगों को मजा आने लगा। इससे दो फायदे हुए, एक तो यहाँ पढ़ने आने वालों का मन भी लगा रहा और दूसरा ये कि आने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। इन्होंने मनोरंजन के लिए गीत भी गाए। पढ़ने में जहाँ पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं, बल्कि उनकी संख्या तो और भी उत्साहवर्धक रही। इन साक्षरता कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ने के लिए इनके जीवन में कई तब्दीलियां भी आई। न सिर्फ ये साफ सफाई के प्रति सचेत रहने लगे, बल्कि गांव के बच्चे जो पहले इधर उधर घूमते थे अब उनको स्कूल भेजा जाने लगा। वैसे ये भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं थी कि इन स्वयं सेवकों के प्रयासों के कारण गांव के लोग लिखने पढ़ने से जुड़ा छोटा मोटा काम जैसे फॉर्म आदि खुद ही भरने लगे। पढ़ना लिखना आ जाने के बाद इनको काफी हद तक बिचौलियों के चंगुल से भी मुक्ति मिली और ये अपना कारोबार खुद अपने बूते पर करने लगे। इस तरह नव साक्षरों की हर गतिविधियों में स्वयं सेवकों की लगन और मेहनत झलकती है। उन्होंने जिंदगी की एक नई परिभाषा को जाना है और इसीलिए उनके हर कदम में विश्वास का एक नया एहसास नजर आता है। लेकिन स्वयं सेवकों का काम यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि उन्हें तो साक्षरता की रोशनी में गांव वालों की दूसरी समस्याओं को भी हल करना है। कला के सामने भी ऐसी ही चुनौती थी जिसे उसे लड़ना था। नमस्ते चाचा।
कैसे हो बेटे? अभी तक मैंने जो कहा तुमने किया, लेकिन कुछ परिवार और समाज की ऐसी समस्या हैं जिनको हल करने में तुम इनकी मदद कर सकती हो। वो क्या? अब तुम तो जानती हो यहाँ की समस्या। यहाँ पर लोग शराब पीते हैं, शराब पी करके अपनी पत्नियों को पीटते हैं। यहाँ की मेन समस्या यही है। बस बस चाचा, मुझे सब पता है, मुझे मैं समझ गई मुझे क्या करना है। तो अब इस कार्यक्रम को चालू करो। वाकई में जुए और शराब की लत तो यहाँ आम समस्या थी। अब गोपालन की ही बात लें, वह रोज शराब पीता और घर में कलेश मचाता था। और सिर्फ गोपालन में ही क्यों, गांव के ज्यादातर लोगों में शराब की आदत थी। ऐसे में कला ने बीड़ा उठाया शराबियों को समझाने का। सबसे पहले उसने गोपालन के घर जाकर उसे समझाया। अंत में गोपालन साक्षरता क्लास में आने को राजी हुआ। और जब उसने अक्षरों के ज्ञान का स्वाद चखा तो उसके बंद दिमाग के कई दरवाजे खुल गए। उसने शराब पीना छोड़ दिया और अब अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहता है। गोपालन तो एक प्रतीक भर है जिसे साक्षरता अभियान के समर्पित स्वयं सेवकों ने अपनी दिन रात की मेहनत एक करके गढ़ा है। और इस प्रतीक से प्रेरणा पा रहे हैं कडलूर जिले के दूसरे अनपढ़ लोग, जिनकी समझ में ये बात आ चुकी है कि अक्षरों के ज्ञान का मतलब क्या है। इसीलिए अब वे काम के बाद बचे समय को जाया नहीं करते, बल्कि हाथ में स्लेट पेंसिल थामकर समय का सदुपयोग करते हैं। और इस तरह के बदलाव का श्रेय जाता है कला जैसी स्वयं सेविका को, जिसने अपनी सहेलियों के साथ वो कर दिखाया जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। कला, ईलन और दिलशाद को आज इस बात का आत्मसंतोष भी है कि उन्होंने समाज और देश के लिए कुछ ऐसा किया है जो दूरगामी असर वाला है, और यही इनकी खुशी का कारण भी है। तो देखा आपने, कला जैसी स्वयं सेविकाओं की मेहनत ने कडलूर के मछुआरों का जीवन कितना बदल दिया। और यदि कुछ और युवक युवतियां पढ़ने पढ़ाने के काम में लग जाएं, तो और इस इलाके क्या और भी कई इलाकों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके लिए जरूरत है तो बस पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आने की, आगे निरक्षर भाइयों को साक्षर बनाने की।